हरे कृष्णा। सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सके। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी दर्शकों का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज गीता के प्रथम अध्याय के 21वें से 26वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। अर्जुन उवाच तेनयोरुभयोर्मध्ये। हाँ मैं लेता हूँ यार इस बार। हाँ लिख भी लिया मैंने इस बार। हाँ मैंने मैसेज चेक कर लिया है। अरे बार बार थोड़ी फोन कर किया जाता है, एक चीज के लिए बार बार फोन करते हो आप लोग यार। अभी ठीक हो? देखो मैं अभी ऑफिस में आ गया, मुझे दोबारा फोन मत करना आप। और गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं रामेश्वर जी आप? आप कैसे हैं? बस सब ठीक चल रहा है। चलिए सर आज फिर लेट हो गए। अरे रामेश्वर जी आपको तो पता ही है ना कि शादी के बाद क्या क्या दिक्कतें आती हैं घर पे। और गीता वीता चल रही है आपकी? हाँ सर बढ़िया बढ़िया। देखो यार इस ऑफिस में दो चीजें जो लगातार होती है, एक तो मेरा लेट आना, दूसरा तुम्हारी भगवदगीता। ये अच्छी चीज है। थैंक यू सर। अच्छा बाकी लोग भी आ गए हैं क्या? हाँ सर लगभग सब आ गए। बढ़िया ठीक है रामेश्वर। अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे, वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखा। और आज फिर से लेट। क्या बताऊं यार, तुझे तो पता ही है ना मेरी मैडम का मूड कैसा रहता है। पता नहीं कब बदल जाता है यार उसका। अरे कल शाम तक तो बहुत अच्छी वाली थी यार, बहुत प्यार भरी बातें कर रही थी। मेरे बच्चों के लिए बच्चों को अच्छे स्कूल में डालना है, एक नया घर लेना है, एक नई गाड़ी लेनी है। सुबह सुबह झांसी की रानी बन गई यार। सुबह सुबह ही लड़ाई हो गई। बिना ब्रेकफास्ट के आना पड़ रहा है यार ऑफिस। क्या बात कर रहा है, खाना भी नहीं खाया? मैं खैर हटाया यार, इससे तो चलता रहेगा। गब्बर कहाँ है? आजकल रोज लेट आता हूँ, पूरे पैसे लेता हूँ, गब्बर को बेवकूफ बनाता हूँ। एम्प्लॉय हो तो मेरे जैसे। क्या हो बे? हेलो सर, आज फिर 40 मिनट लेट। जीवन में कुछ टाइम टेबल है नहीं तुम्हारे? नहीं सर। सर है सर, टाइम टेबल है सर। प्रेजेंटेशन रेडी हो गई? सर प्रेजेंटेशन, हाँ जी सर प्रेजेंटेशन रेडी सर। आज शाम तक, आज शाम 6 बजे तक अगर प्रेजेंटेशन मुझे मेरी टेबल पर नहीं मिली तो तुम और तुम्हारी प्रेजेंटेशन चले जाना और दोबारा वापस मत आना, समझे? घर पे बीबी बजा रही है, ऑफिस में बॉस बजाता है, आदमी हूँ कि घुंघरू हूँ? चलो यार जो है अपने फाइल बनानी है वरना फिर से आ जाएगा वो। काम तो करना ही पड़ेगा ना, मन करे चाहे ना करे। दुनिया में आए हो तो काम करो प्यारे। सॉरी सर। गुड मॉर्निंग सर। चाहिए काम करिए। क्या बात है यार, डांटे नहीं आज। किस ख्यालों में खोए हुए भाई साहब? यार एक बात समझ नहीं आ रही है। एक तो मैं लेट आया, लेट आते गब्बर से टकरा गया। क्या बात कर रहे हैं? हाँ गब्बर ने डांटा ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं, कुछ तो है आज। सर पानी लीजिए। हाँ रामेश्वर जी, आज बॉस को कुछ हुआ है क्या?
मतलब सर? मतलब इतना खुश क्यों है? अच्छा हाँ सर, उनका आज मैरिज एनिवर्सरी है। ओह एनिवर्सरी है? हाँ उनका मैरिज एनिवर्सरी। अच्छा अच्छा, थैंक यू रामेश्वर जी, अब चलिए, एनिवर्सरी है। अच्छा वो सब छोड़ बॉस को, मुझे ये बता तू इतना खुश क्यों लग रहा है आज? अरे खुश क्यों नहीं रहे यार, आज ऑफिस में बॉस खुश है, घर में वाइफ खुश है। क्या बात कर रहा है, वाइफ ने ऐसा क्या कर दिया आज? आज पता है वाइफ का मूड कितना अच्छा था, और उसने मेरा फेवरेट गाजर का हलवा बना के दिया। सही है भाई, काफी प्यार दिखा दिया आज। यही तो खुशी की बात है, इसलिए आज बहुत खुश हूँ मैं। एक बात बोलूं? बोल बोल। इससे पहले बॉस हमारे खुशी के रंगों में अपना काला रंग भर दे, हमें काम कर लेना चाहिए, सही है कि नहीं? ना अपना दिन खराब नहीं होना, मूड बहुत अच्छा है, खराब नहीं करना। यस यस यस, काम कर लेते हैं। अरे मेरे को नहीं जाना ना यार, जब मैं समझा रहा हूँ कि नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं, छुट्टी नहीं मिल पाएगी, तो उसमें जिद क्या करने की जरूरत है? मैं बोल चुका हूँ ना कि नहीं हो पाएगा, अरे कैसे चला जाऊं? अरे मेरे ऊपर मेरा बॉस है, अचार ही पूरी टीम है, कैसे छुट्टी ले लूं मैं? भाई मेरी बात को तुम समझो, तुम हमेशा अपनी जिद चलानी थोड़ी होती है, मैं भी तो हूं, हर बात में रोना धोना भी सही बात नहीं है, इमोशनल टॉर्चर मत करो मेरे साथ, समझ रहे हो ना? मैं बहुत परेशान हूं तुम लोगों से आ चुका, बहुत परेशान हूं फैमिली से। देखो मैं अभी ऑफिस आ चुका हूं, मेरा बिल्कुल अभी देखो लड़ाई झगड़ा करने का मूड नहीं, सुबह सुबह का मेरा टाइम है, मेरे को दोबारा फोन मत करना भैया, समझ में आया ना? फोन रख रहा हूं मैं, फोन काट रहा हूं, मेरे को दोबारा फोन मत करना, सुबह सुबह खराब कर रखा हूं। लाओ यार। मॉर्निंग सर। सर आज फिर लेट हो गए आप। एक बात बताओ जी सर, तुम जो ये रोज पूछते हो ना कि मैं लेट आ रहा हूं, मैं लेट आ रहा हूं, तुम मुझे साबित क्या करना चाहते हो कि तुम टाइम पे आते हो, मैं लेट आता हूं? तुम्हें जज करने का राइट किसने दिया है? बॉस हो गया तुम मेरे यहां पर? Who are you? What are you? सॉरी सर। अपनी हद में रहना सीखो ना, आखिरी वार्निंग दे रहा हूं मैं, अपनी हद में। क्या हुआ सर, आज बड़े गुस्से में दिख रहे हैं, सब ठीक है? अरे यार दिमाग खराब कर रखा है यार इन लोगों ने यार, यार घर वालों का कुछ समझ नहीं आता मुझे यार, कल तक सब कुछ अच्छा था यार, घरवाली खुश थी, घर वाले खुश थे, आज सुबह सुबह सबका दिमाग खराब हो गया यार, वो कहते हैं मैंने किया क्या है यार, पूरी मैंने लाइफ निकाल दी अपने घर वालों के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए, वो कह रहे मैंने किया क्या, ऑफिस में दिन रात काम करता हूं, बॉस कहता मैंने किया क्या, ना घर वाले खुश है, ना ऑफिस में बॉस खुश है, ना मैं खुश हूं, अरे मैं लाइफ में कर क्या रहा हूं, झक मार रहा हूं क्या यार मैं यहां पर, हम तो झक मार रहे हैं यहां पर, दिमाग खराब हो गया, स्ट्रेस ले लेके, प्रेशर ले, कोई खुशी नहीं यार अपने से। और ये क्या नाम है ये अपना जो प्यून है, ये क्या नाम है इसका, रामेश्वर यार, ये इसको हमने अपने ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा अपने यार, हर चीज में उंगली करता रहा, सर आप आधे घंटे लेट हो गए, सर क्यों लेट हो गए, हर चीज का हिसाब, सीबीआई है क्या ये, कलेक्टर है कहीं का ये, बॉस है मेरा ये, ये निकालते क्यों नहीं ऐसे दो कड़ी के लोगों के यार, हम लोग यार यहाँ पर। शांत हो जा भाई, पहले तो शांत हो जा। हाँ यार परेशान कर रखा है यार, अब क्या पता क्या काम करूं मैं यार, शांत हो जा, थोड़ा बैठ जा, कुछ जा तू आराम कर। ये जो अपना रामेश्वर है ना, अपना प्यून, इसकी वाइफ को कैंसर है, अभी से नहीं कई सालों से, अपनी कमाई का आधा सैलरी तो ये अपनी वाइफ के इलाज में ही लगा देता होगा, फिर उसके बाद उसके बच्चे भी हैं, उसका परिवार, घर, जिम्मेदारियां, पर मैंने इसे कभी देखा नहीं कि ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड होकर कभी ऑफिस आया, अपना गुस्सा किसी दूसरे एम्प्लॉयज पर जाहिर कर रहा है, मैंने देखा है कि हमेशा सबसे पहले आता है, सबसे मुस्कुरा के बात करता है, हंस के बात करता है, सबसे आखिरी में जाता है, कोई इस पे गुस्सा कर भी दे तो भी चुपचाप सुन लेता है,
यही बोल सकता ना कि मेरे पास फ्रस्ट्रेशन है, मेरी वाइफ को कैंसर, इतना कुछ है, मैं पागल हो जाऊंगा, बट ऐसा नहीं करता। चुपचाप अपने जीवन को बहुत ही शांति से काट रहा है। पीयूष है तो क्या हुआ, सीखने वाली बात है कि इतने चैलेंजेस होने के बाद भी कितने अच्छे तरीके से जी रहा है। ये गुण हमें सीखना चाहिए बजाय इस पर गुस्सा करने के। और चैलेंज तो है यार, ये तो मैं मानता ही हूं। राज गई नहीं आप? बस मेरा काम हो ही गया, बस मैं निकलने ही वाला था कुछ देर में। ओके सर, और आपको कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा सर, मैं यहीं हूँ। श्योर। रामेश्वर जी। यस सर, वो चाहिए था। रामेश्वर जी, सुबह मैंने आपके साथ जिस तरीके से बिहेव किया, जिस तरीके से मैंने आपके साथ बर्ताव किया, वो बिल्कुल गलत था। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस कि मैंने आपको हर्ट किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे भी नहीं पता था कि आपकी वाइफ को कैंसर है और आपके घर में काफ़ी सीरियस इश्यूज़ हैं, काफ़ी परेशानियाँ हैं आपके घर में। हालांकि हम लोग एक साथ काम करते हैं, एक ही ऑफिस में काम करते हैं, बट मैंने कभी जानने का प्रयास भी नहीं किया कि आप कौन हैं, आपके लाइफ में क्या चल रहा है। कोई बात नहीं सर, होता रहता है। मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं घर की छोटी मोटी समस्याओं को लेकर ऑफिस में परेशान हो जाता हूँ, ऑफिस की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को लेकर मैं घर में परेशान रहता हूँ, पर इतना सब कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, आप पता नहीं कैसे बैलेंस करते हैं, आप किस तरीके से आप रहते हैं, दैट इज़ वेरी इंस्पिरेशन फॉर मी। और वो कमाल है, मतलब आप जिस तरीके से आप इसको बैलेंस करते हैं। सर, मैंने भगवद गीता से एक श्लोक सुना था, उसमें भगवान कृष्णा अर्जुन से बहुत अच्छी बात बोलते हैं। वो बोलते हैं कि जो सुख और दुख होता है वो बिल्कुल सर्दी और गर्मी की तरह होता है, आते जाते रहता है। जैसे कि हम जानते हैं अभी सर्दी है, तो हमें ये भी पता है कि कुछ समय बाद गर्मी का मौसम भी आएगा। वैसे ही अगर जीवन में आज दुख है तो सुख भी आएगा। बट मैंने अक्सर देखा है लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना है, वास्तविकता में ये संभव नहीं है। इंसान कितना भी चाह ले उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, वो कितना भी प्रयास कर ले पर प्रॉब्लम्स आती रहेंगे। इसलिए भगवान कृष्णा इस श्लोक में अर्जुन को कहते हैं कि व्यक्ति को टॉलरेट करना चाहिए। टॉलरेट करने का मतलब वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमें प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए जितना भी संभव हो, पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि हर प्रॉब्लम तुरंत ही नहीं सॉल्व होती, उनको समय लग सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि टॉलरेट करना चाहिए ताकि हम अपनी ड्यूटीज को सही से कर पाए। बस इस बात को व्यक्ति सही से समझ जाए तो उसका नजरिया बदल जाएगा। जो भी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं वो उससे लड़ पाएगा, सही से विचलित नहीं होगा। सर, मैं ज़्यादा तो नहीं जानता पर मैं अपनी छोटी बुद्धि से इतना ही समझ पाया। रामेश्वर जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई आज, बहुत बड़ी बात बताई आपने आज। क्या होता है कि मैं अपने लाइफ में चाहता था कि मैं हर समस्या को तुरंत सॉल्व कर दूं, तुरंत उसको सॉल्व कर दूं, तुरंत सक्सेस मिल जाए, तुरंत काम बन जाए, पर इसे समझ में आ रहा है कि नहीं, आपने लाइफ को देखने का एक नया नज़रिया दिया आपने आज, एक नया नज़रिया मिल गया आज। थैंक यू रामेश्वर जी। वैसे मेरा काम वैसे ख़त्म हो चुका है, मैं अभी घर ही जा रहा हूँ,
आप कहें तो मैं आपको कहीं रास्ते में ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ सर, आपका बहुत एहसान होगा अगर आप मुझे बस स्टैंड तक ड्रॉप कर देते। हाँ श्योर श्योर, ठीक है सर, चलिए। कृष्णा दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी शॉर्ट फिल्म जरूर अच्छी लगी होगी। इस शॉर्ट फिल्म के जरिए दोस्तों हम यही बताना चाहते थे कि लाइफ में हर समय हम खुश नहीं रह सकते, हमेशा अप्स एंड डाउन आती रहती है। तो अपने डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करते हुए हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, अपनी डिफिकल्टी को हम कैसे अपॉर्चुनिटी बदल सकते हैं, ये जो आर्ट है, ये जो कला है दोस्तों, भगवद्गीता में बताया गया है। इसलिए भगवद्गीता को पढ़ना, प्रैक्टिस करना और प्रीच करना, दिस इज ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरीवन। सोयोप, आपको हमारा काम पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की भगवद गीता की टीचिंग हम शॉर्ट फिल्म और अदर वीडियो के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते रहें, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट कीजिए, ताकि हम और भी वीडियो जल्दी से जल्दी क्रिएट कर सकें। और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे हम भगवद गीता से रिलेटेड वीडियोज रेगुलर शेयर करते हैं। हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, जहाँ पे हम वैदिक स्क्रिप्चर और भगवद गीता से रिलेटेड और हमारे शॉर्ट फिल्म और हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में आपको वहाँ बताते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जहां से आप ऑनलाइन भगवद्गीता को ऑर्डर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसलिए भगवद्गीता को मंगाइए, पढ़िए और दूसरों के साथ शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।